सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अंग की बिंदी का उच्चारण करवाने जा रही हूँ। आपको ये ऑनलाइन क्लास में भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार, कई बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं तो उनको इसके उसका उच्चारण करना नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे से सुने, इसका उच्चारण अच्छे से कर सकें, ठीक है बेटा। क्या है आज का हमारा विषय? अंग की बिंदी। क्या है? अंग की बिंदी, ठीक है। इसका पहला जो शब्द है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो अंग की बिंदी होती है, जब हम अंग बोलते हैं तो जो हमारे जो लिप्स हैं वो पूरे ओपन नहीं होते हैं, हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालू से टकराती है, उसको टच करती है, ठीक है। जैसे अंग बोलिए, अंग, क्या बोलोगे? अंग, ओके। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट शब्द है, पहला शब्द है वो है अ अंक, अंक, अंक। क्या है? अ अंक, अंक। दूसरा शब्द है र अंग, र अंग, रंग। क्या है? रंग। जब भी हम अंग की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो जो स्वर है वो हमारी नाक से होके निकलते हैं। नंबर तीन है प अंख, पंख, प अंख, पंख। नंबर चार है स अंग, संग। नंबर चार है स अंग, संग। नंबर पांच अ अंत, अ अंत, अ अंत, अंत। जब अ में बिंदी आती है तो हमें उच्चारण करने में डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम अंग की साउंड निकालते हैं वो भी अ से स्टार्ट होती है, और जब अ होता है वो तो ऑलरेडी अ से ही स्टार्ट होता है, तो उसमें थोड़ी हमें डिफिकल्टी आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने बिंदी का ध्यान रखना, जब भी उच्चारण करेंगे पहले अ अंत, अ अंत, अ अंत, अंत। नंबर छह है प अंज, आ पंजा, प अंज, आ पंजा, ठीक है बेटा। नंबर सात है ग अंद, आ गंदा, ग अंदा, गंदा, ओके बेटा। नंबर आठ है क अंचन, क अंचन, कंचन। नंबर नौ है ज अंगल, क्या है नंबर नौ? ज अंगल, जंगल। और नंबर दस प त अंग, पतंग। नंबर दस क्या है? प, अब इसके ऊपर प के बाद अंग की उच्चारण नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि बिंदी किसके ऊपर है? त के ऊपर। जिस अक्षर के ऊपर बिंदी हो उस अक्षर के बाद अंग का उच्चारण करना है, ओके बेटा। प त अंग, पतंग। क्या बन गया? पतंग, ओके बेटा। आपको क्लियर हुआ होगा, आपको लेसन भी रीड करवाया है, ठीक है। आई होप आपने बुक वर्क कर लिया हो, ओके ओके बेटा, टेक केयर, बाय।